महंगाई रात के तहत आप देखें कैंप लग रहा है और आज जगदीश चौक क्षेत्र में ये कैंप लग रहा है और देखिए बड़ी संख्या में धीरे धीरे यहाँ पे नगरवासी सब आ रहे हैं। भाई साहब मेरे साथ में आए हैं जी। भाई साहब कौन सा आवेदन आज करने आए हैं आप? सर 100 यूनिट बिजली का आपने फॉर्म भरा है, आवेदन भरा बाबूजी के नाम का है और बाबूजी पेंशन आ रही है? पेंशन आ रही है 1000 रुपये। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को। और क्या कहना चाहेंगे? और ज्यादा चाहिए, कम चाहिए? ये 1500 को नहीं किया, 1500 करने का था। जो 750 वाले उनको 1000 मिलना था और 1000 वाले को 1500 मिलना था। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी को? मुख्यमंत्री जी कहूँगा 1500 रुपये कर दे। मैं देखो बुजुर्गों की छोटी छोटी जरूरतें होती है और ऐसे में अगर बुजुर्गों को मिलता है तो सरकार अगर दे रही है तो एक अच्छा निर्णय है। आप क्या सोचते हैं? अच्छा और ये बिजली के बिल से क्या राहत मिलने वाली है? थोड़ी सी राहत तो मिलेगी ना, मिलेगी राहत मिलेगी है। देखो सरकार ने ये जो पूरा प्लान है 10 तरीके की कंपोनेंट योजनाएं बनाई है जिसमें इन्होंने 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात कही है। हालांकि ये पैसा तो उनको पहले देना ही पड़ेगा जितना है और उनके बाद उनको सब्सिडी वापस खाते में आ जाएगी। फिर ये 100 यूनिट बिजली का प्रावधान है, उसके बाद 2000 की जो यूनिट है वो किसानों के माफ़ किए हैं, उसके बाद अन्नपूर्णा जो योजना है उसमें आपको फ्री किट मिलेगा, तेल शक्कर वगैरह जो भी है वो मिलेगा, चिरंजीवी योजना है, पेंशन आपकी 1000 रुपये की है, दुर्घटना बीमा है। अभी शहरों में काम चला है उसके लिए आपको 125 दिन का काम, यानी शहरों में जो जरूरतमंद लोग थे, पहले कभी सुना था कि ऐसा काम कभी आएगा शहरों में? गाँव में तो हम अक्सर देखते थे, लेकिन हुआ है ये तो। सरकार कहीं ना कहीं थोड़ी राहत तो दे रही है, राहत दे रही है, जो कमी है लगेगी तो धन्यवाद बहुत बहुत। तो देखिए पूरा राहत कैंप में लोग आ भी रहे हैं और धीरे धीरे अपनी थैलियाँ लेकर कैंप की ओर हम भी कैंप में चलते हैं। कितनी भीड़ पड़ रही है और आपको दिखाएंगे। चलिए तो ये है सीढ़ी जाने की और ये पूरा पार्किंग है जगदीश चौक की जहाँ पर ये पूरा शिविर लगा हुआ है और मेरे साथ में पत्रकार भाई यशवंत जी है। ओहो काफ़ी बड़े पैमाने पे यहाँ काम हो रहा है, वास्तव में रात कैंप है। यहाँ तो बड़ी संख्या में लोग आए हैं और अपना अपना बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो सभी को टोकन दे दिए गए हैं। इस तरफ सारे विभाग, क्योंकि अभी दोपहर का समय है, गोपाल जी, अरे नेताजी, स्वागत है, स्वागत स्वागत। तो सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए आप किस लिए आए हैं? क्या हुआ? ये फार्म जमा कर रहे हैं। कौन सा? बिजली का? तो पेंशन का। वाह भाई वाह। और आप? आग बताना है किसका? अच्छा उसका कार्ड बनाना है, ठीक है। आप? पेंशन और मम्मी का राशन कार्ड वगैरह सब बनाने के लिए। अच्छा सुना कि कैंप लग रहा है तो फटाफट चलो कैंप में। लाइट लग रही है, लाइट में से लाइट लग रहा है। टोकन मिला है? टोकन मिला ना, टोकन मिला है। चलिए कैंप की ओर चलते हैं, वहाँ क्या हो रहा है देखते हैं। तो आप देखें कि सामने पूरी लाइन लगी हुई है, पूरी व्यवस्थित है। यहाँ पर पूरा पंजन की जो क्रिया है वो पूरी हो रही है। बस तो पूरा देखिए, हम कह रहे थे मनोनीत जितने भी पार्षद हैं वो सेवाएं दे रहे हैं, उसी क्रम में हमारे गोपाल जी नागर साहब अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा रहे हैं। गोपाल जी नागर साहब, मनोनीत पार्षद नगर निगम, और ये पूरी लाइन लगी हुई है, ये पूरी व्यवस्था है। और देखिए जी गोपाल जी, जितने भी लोग हैं यहाँ आए हैं
मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देते नहीं थक रहे, ऐसा क्या कर दिया? मुख्यमंत्री जी ने काम ऐसा किया है जैसे आम जनता आज राहत महसूस है। उज्ज्वला में 500 रुपए में टंकी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, विधवाओं का पेंशन का हो रहा है, उसके साथ साथ यहाँ चिरंजीवी योजना का लाभ लोगों को सीधा मिल रहा है और कई योजनाएं जिनमें सीधा सीधा लाभ और जानकारी मुख्यमंत्री के जनता समझदार लोग हैं हमसे पूछते हैं कि मेरा अन्नपूर्णा योजना है जबकि है, मेरा BPL में नहीं आया, मेरा पेंशन में नहीं आया, ये सारी जानकारी आज जनता को भी अपने आप होने लगे, जागृति होने लगी और मैं अवेयरनेस होने लगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सब दिखावा चुनावी नीति है, ये उन लोगों को लग रहा है जो झुमलेबाजी करते हैं। 15 लाख आपके खाते में आएंगे लेकिन आज तक 15 पैसे नहीं आए और हमारे मुख्यमंत्री ने जनता को इतना दे दिया, 25 लाख का बीमा, 10 लाख इलाज के फ्री। आज कई लोगों का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी 8-8, 10-10 लाख का हुआ है और वो ठीक होकर धन्यवाद दे रहे हैं। इसलिए जुमलेबाजी करने से ज़्यादा अच्छा है कि फील्ड पर और जमीन पर, जमीनी स्तर पर जो काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं वो वास्तव में सराहनीय कदम है। गोपाल जी, पिछली बार भी अपना एक सवाल था कि जिनको जिम्मेदारी दी गई, पार्षदों को मनोनीत किए गए हैं, वो सरकार ने इसलिए किए हैं, उनकी कार्यशैली को देखते हुए किए हैं, लेकिन अभी मैंने 2-3 कैंप विजिट किए, कोई भी नहीं है। और आप यहाँ मुस्तैदी के साथ जब से ये शिविर चालू हुआ है, मैं 2 शिविर देख रहा हूँ, तीसरा शिविर अब जाऊँगा अभी। चांदपुर शिविर से मैं करीब 1 घंटा सेवाएं देकर मेरे साथी वहाँ लगे हुए हैं, वो सेवाएं दे रहे हैं वहाँ, क्योंकि मेरे 2 वार्ड पड़ते हैं तो मैं अपने दोनों वार्डों पर, वैसे मुझे जिम्मेदारी हॉस्पिटल की, लेकिन मेरे वार्ड का जब कार्य आया तो मैंने 2 दिन से वहाँ जाना बंद करके मैं यहाँ सेवा दे रहा हूँ। उससे पहले मैं हॉस्पिटल में बैठकर सेवा दे रहा था। मैं अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहता हूँ, दूसरों की बात मैं नहीं करता। गोपाल जी, जितनी भी जनता है आपकी आई है, ये आपको पहचानती है? जी हाँ। अगर पहचान वाला व्यक्ति जनप्रतिनिधि नहीं होगा तो उनमें क्या संदेश जाएगा? इन लोगों को हम टोकन दे रहे हैं सुबह और एक को लाइन से बुलाकर उनकी सारे कार्ड बंटवाने, उनको योजनाओं का लाभ दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि की कितनी भागीदारी जरूरी है? बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके माध्यम से आम जनता अपने जो अधिकार है वो हमारे माध्यम से पूरी जानकारी पाते और काम करती है। जैसे कई लोगों का आधार से चिरंजीवी का लिंक नहीं है, हम उनको समझाते हैं ई मेल पर जाओ, लिंक करवा के लाओ। कई लोगों का चिरंजीवी भी लिंक नहीं है, उसको लिंक करवाते हैं। कई लोगों का BPL का लिंक नहीं है आधार से, वो लिंक करवा लें। हम पुनः भेज के वापस उनको बुला के उनके अधिकार दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। जो मुख्यमंत्री योजना बनाई है अच्छी अच्छी, उसका लाभ उन लोगों तक पहुँचे, ये प्रयास ये खड़े रहकर पूरे सुबह करीब 9 बजे में यहाँ चुका हूँ और शाम को 6 बजे तक अपनी सेवाएँ इन तीनों कैंपों में दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि गोपाल जी लगातार इस प्रकार से सेवाएं, और हर कांग्रेस के सिपाही, जितने भी सिपाही हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने तो बना दी, अब लागू तो हमको ही करवानी है ना। मेरे कांग्रेस के यहाँ भरत जी रामानुज सुबह से सेवाएं दे रहे हैं, वहाँ चांदपोल पार्किंग पर ऋतुराज जी मिश्रा, हमारे हेमंत जी शर्मा, उदयनंद जी पुरोहित, कमलेश जी, ऐसे कई साथी हैं जो चांदपुर पर लगा रखा है, उनको सेवाएं दे रहे हैं। इधर गीताजी पालीवाल और हमारी कल्पना जी सोनी, ये लोग वहाँ सेवाएं दे रहे हैं। हमने टीम बना के, हमारे क्षेत्र में 3 कैंप है, तीनों में मैं जाके चेक कर रहा हूँ और लोगों के बीच में कहीं समस्या आती है मुझे फ़ोन करते हैं, मैं पहुँचता हूँ, समस्या का समाधान करता हूँ और वापस अपने आसिन की हवेली में आता हूँ। क्योंकि यहाँ अकेले मैंने संभाल रखा है, रामानुज जी मेरे साथ हैं, बल्कि 5-5, 6-6 लोग दोनों कैंपों में लगा रखे हैं जो काम करें जनता के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी, आपका संदेश आशा है कि पूरे कांग्रेस को जाएगा और वो भी समझेंगे कि काम कैसे किया जाता है, काम की रूपरेखा क्या होती है और एक लीडर कौन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इतना
जगदीश चौक क्षेत्र है पूरा, और आप देखिए यहाँ बड़ी संख्या में माताएं बहनें सब विराजी हुई है और अपनी बारी का इंतजार कर रही है। ये वो है जिनका नंबर आने वाला है, और उनको नंबर जैसे आ जाता है उनको टोकन दिया जा रहा है और सबके चिपका कर दिया जा रहा है, ताकि ये नहीं सर जो समझदार नहीं है वो भी समझ सके। आप सभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही यहाँ नंबर आता है तो देखिए आप कुर्सी से कुर्सी, कुर्सी से कुर्सी जाना है, आपको बैठना है जी। देखिए आप क्या कौन सी योजना में लाभ लेने आए? जो नंबर से जो गवर्नमेंट देगी सभी सभी बहुत जल्दी गवर्नमेंट जो योजना में लाभ ले जाएंगे, उसके बाद जिनके ऊपर बिजली 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 का है, आपका योजना है, गैस योजना है, दो तीन चार पांच पार्किंग में भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वहाँ चले जाओ, वहाँ भीड़ कम है। कितना धन्यवाद सरकार को देना चाहेंगे, धन्यवाद भी भीड़ कम है। अगर आप लोग कहें तो वहाँ भी आपका रजिस्ट्रेशन बटोबट हो जाएगा, या समय खराब ना करें, वहाँ भीड़ कम है, वहाँ पहुँच जाए या भजन जो तो पहुँच जाए। तो महंगाई राहत कैंप का लगातार आयोजन हो रहा है क्षेत्र में, सब जगह महंगाई राहत कैंप जो है वो लगाए जा रहे हैं, सभी लोगों को सरकार की स्कीम का लाभ मिले उसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। और बड़ी संख्या आप देखें कि इस पूरे कैंप में लोग आए हैं, महंगाई राहत कैंप लगातार आयोजित पूरे राजस्थान में हो रहे हैं, सरकार की तरफ से गाइडलाइन है, सब अधिकारी मौजूद हैं।